नमस्कार दोस्तों, महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया। जब कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गईं और राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए कि उन्हें सही गलत का ज्ञान ही नहीं रहा, जबकि उनके पास विदुर जैसे विद्वान भी थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दरबार में सब सिर झुकाए बैठे शर्मसार कर देने वाली घटना के साक्षी बन रहे थे, तब धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण ने इसका विरोध किया। महाभारत में विदुर और विकर्ण दो ऐसे पात्र थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध को विनाशकारी बताया था। इसके बाद भी धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे रहे और महाभारत के युद्ध का कारण बने। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध के बाद जिस रथ पर अर्जुन सवार थे, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिस पर स्वयं हनुमान जी उसके पताका के पास बैठे हुए थे, शेषनाग भी उस रथ पर सवार थे, फिर भी महाभारत के बाद वो रथ धू धू कर जल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पर जगत पिता विराजमान है वो रथ जल गया? आज इसी बात की पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुर्योधन कौरवों की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी थे। कौरवों को इन महारथियों का साथ मिलने से लग रहा था कि युद्ध में विजय प्राप्त करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। इतनी विशाल सेना और इतने शक्तिशाली योद्धाओं के सामने पांडव कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन कौरव ये बात भूल गए थे कि पांडवों के पास स्वयं जगत पिता भगवान श्री कृष्ण थे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पूरे युद्ध में उनके रथ पर सवार रहे। जिस रथ पर अर्जुन सवार थे वो कोई मामूली रथ नहीं था। जी हाँ, जिस रथ पर स्वयं भगवान सवार हो वो मामूली कैसे हो सकता है? उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ हनुमान जी और शेषनाग भी सवार थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उन्होंने आरंभ से ही अर्जुन से कहा कि हनुमान जी से रथ के ऊपर ध्वज के साथ विराजमान होने की प्रार्थना करो। अर्जुन ने हनुमान जी से प्रार्थना की और वे मान गए। इस तरह से हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार हो गए। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को भी भगवान श्री कृष्ण जानते थे। इसलिए शेषनाग ने अर्जुन के रथ के पहिए को इस तरह से जकड़ रखा था कि शक्तिशाली से शक्तिशाली शस्त्र का भी कोई प्रभाव न पड़े। युद्ध जब समाप्त हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप पहले उतरे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, पहले आप उतरे। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन प्रभु के कहने पर वे पहले उतर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे। उनके उतरते ही हनुमान जी और शेषनाग भी अदृश्य हो गए। इन सभी के उतरते ही रथ में आग लग गई और कुछ पल में ही रथ जलकर राख हो गया। ये देख अर्जुन हैरान रह गए और पूछा कि हे प्रभु, ये क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका राज बताया। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये रथ तो कब का समाप्त हो चुका है। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य और कर्ण के प्रहारों से ये रथ समाप्त हो चुका था। चूंकि इस रथ पर हनुमान जी, शेषनाग और मैं स्वयं इसका सारथी था, जिसके कारण ये रथ सिर्फ संकल्प से चल रहा था। इस रथ का अब कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए मेरे उतरते ही ये रथ भस्म हो गया। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। तो देखा आपने दोस्तों कि भगवान की लीला अद्भुत है, और जिसके पास भगवान श्री कृष्ण हो उसका काल भी क्या कर सकता है। और ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।